हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक ये वीडियो डाल रही हूँ जिसमें ये हिमाचल का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और स्काई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको जो है अपडेट मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती है हिमाचल सरकार ही करवा रही है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज की है। ये भर्ती मेनली जो है वार्डर की होती है, मेल एंड फीमेल वार्डर्स जो है हिमाचल प्रदेश में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है। आगे लिखा है ओनली सच कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हुआ रजिस्टर्ड विद एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयर। और ये वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना जो है, ये मेन पॉइंट है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दे रखा है, और सेकंड थिंग है कि बोना फाइड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 132 है फॉर मेल एंड 14 है फॉर फीमेल। तो इसमें जो है ये वार्डन की पोजीशन है, तो इसमें इन्होंने पोजीशंस भी डिवाइड कर रखी हैं, कितनी कितनी सीट्स है वो इन्होंने सब कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले अगर बिलासपुर की बात करें तो इसमें जनरल अनरिजर्व की 4 हैं, जनरल आईआरडीपी की जो है वो 1 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कोई सीट नहीं है, एससी अनरिजर्व की 1, एससी आईआरडीपी की 0, एसटी की 0, एसटी होम गार्ड की 0, ओबीसी की 1 है, और मतलब टोटल ये 7 है। अगर हम सेकंड वन चंबा की बात करें तो जनरल की अनरिजर्व की 5 है, जनरल आईआरडीपी की 1, एससी की 1 है, ओबीसी अनरिजर्व की 1 है, टोटल 8 सीट है। थर्ड है हमीरपुर, जनरल अनरिजर्व की 4, जनरल आईआरडीपी की 1 है, ये 1 है, और उसके बाद एससी की 1 है, उसके बाद ओबीसी की 1 है, टोटल 7 है। सबसे ज़्यादा सीट्स ये इनमें कांगड़ा में हैं, 15 सीट्स हैं अनरिजर्व की, जनरल आईआरडीपी की 3 हैं, जनरल बाड़ा फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी की 6 हैं, एससी आईआरडीपी की 1 है, एसटी होमगार्ड की 1 है, ओबीसी की 1 है, ओबीसी आईआरडीपी की 1 है, और ओबीसी ये होमगार्ड की 1 है। मतलब टोटल इसमें 33 सीट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें कांगड़ा में। उसी तरह आप सीट्स देख सकते हैं इसमें टोटली डिवाइड कर रखी हैं इन्होंने, मतलब कुल्लू में 7 हैं, लाहौल स्पीति में 1 है, मंडी में 20 हैं, शिमला में 16 है, सिरमौर में 11 है, सोलन में 12 हैं, और ऊना में 9 सीट है। मतलब टोटल जो हैं ये सीट्स हैं 132, ये फॉर मेल्स है, मेल, ये मेल की बता रही हूँ मैं अभी, मेल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जो है आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाया है और सेकंड थिंग आप बोनाफाइड हैं हिमाचल प्रदेश के, तो आप जो है इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर फीमेल की, 14 वैकेंसीज हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूं कैसे कैसे सिस्टम है इनका। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो टोटल 14 सीट्स हैं, इसमें चंबा की जनरल की अनरिजर्व की 1 है, मतलब टोटल इसमें 1 है, हमीरपुर की भी अनरिजर्व 1 है, कांगड़ा जनरल अनरिजर्व 1, होमगार्ड की 1 है, और एससी अनरिजर्व की 1 है, एससी होमगार्ड की 1 है, एसटी होमगार्ड की 1 है, ओबीसी होमगार्ड की 1 है, मतलब टोटल इसमें 7 सीट्स हैं। मंडी में 1 है, शिमला में 1 है, सिरमौर में 1, सोलन में 1 एंड ऊना में भी 1, मतलब टोटल ये 14 सीट हुए। तो इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी चाहिए कि हिमाचल का रेजिडेंस होना चाहिए, प्लस ये जो है सेकंड थिंग है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम होना चाहिए। अब इसमें जो है मेनली इसमें सैलरी का बता रखा है कि इसमें जो है 7,810 रुपये आपको जो है ये शुरू में दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जब आप पक्के हो जाएंगे तब ये जो है 20,000 तक आपकी, प्लस 1,900 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, मतलब 22-23 हज़ार जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। अब हम करते हैं इसमें
इसकी जो है वेबसाइट्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो इसमें जो है सबसे पहले फॉर्म भरना है आपने वेबसाइट पे जाके, और सेकंड वन है मोड ऑफ़ पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है इसका, ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन जो है थ्रू चलान है। तो ऑनलाइन गेटवे में आप कैसे कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन में आप जो है गेटवे में कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड थिंग है ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में क्या है कि आप जो है ये चलान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है इसमें मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट, इसमें 3 जोन्स में होंगी ये, मतलब धर्मशाला, मंडी और शिमला में ये सेंटर होंगे, कांगड़ा, ऊना, चंबा, मंडी में, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर, मतलब 3 जोन्स हैं, 3 जोन्स इन्होंने बना रखी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दे रखे हैं। तो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन सबसे मेन है, क्योंकि अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए। सेकेंड थिंग एजुकेशन प्लस 10+2 होनी चाहिए, हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट ये इतनी बताई हुई है। नेक्स्ट है एससी का भी 18 से 25, 10+2, 5.4 इंच। ओबीसी का भी आप देख सकते हैं 18 से 25, 10+2, 5 फुट 6 इंच। ओबीसी होमगार्ड 20 से 28 साल, 10+2, मतलब क्वालिफिकेशन सभी की 10+2 हैं। इसमें जो है 5 फुट, किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का मतलब 6 और 4 ही है मेनली। तो और चेस्ट भी इन्होंने 31-32 या 29-30 यही मांगी हुई है, और अलग अलग मतलब इन्होंने एज का मेनली रखा हुआ है कि एज जो है जैसे जनरल के लिए 23 साल रखी है, एससी के लिए थोड़ी बढ़ा दी गई है, ओबीसी के लिए 25 साल, ओबीसी होमगार्ड के लिए 28 साल कर दिया है, एसटी के लिए 25 साल, एसटी होमगार्ड के लिए 20 से 28 साल, जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 18 से 23 साल, जनरल ओबीसी ये भी 18 से 23 साल, एससी आईआरडीपी 18 से 25 साल। तो ये तो थी मेल का, मेल्स के लिए जो मेल वार्डन इन्होंने अपॉइंट करने, आगे है फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए इन्होंने जनरल का 18 से 23 साल बोला है, एससी का 18 से 25 साल, जनरल ओबीसी होमगार्ड 20 से 28 साल, और एससी एसटी का होमगार्ड के लिए ये 20 से 28। और मेनली एजुकेशन इन्होंने क्वालिफिकेशन सभी की 10+2 ही मांगी है, और हाइट जो है 5 फुट 2 इंच है, जनरल की, एससी की 5 फुट, जनरल ओबीसी की 5 फुट 2 इंच, एंड एससी एसटी होमगार्ड की भी 5 फुट है। तो ये जो था ये हो गया आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मेनली जो है इसमें बताया गया है कि अगर आपको जो है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका एक फिजिकल ये टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है इवेंट क्या क्या होंगे, मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड क्या होगा मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो वो बता रही हूँ। तो पहले आपको 1500 मीटर की रेस जो है लगानी पड़ेगी, ये जो है 1500 मीटर मेल के लिए है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है 1500 मीटर जो है मेल के लिए है और 800 मीटर फीमेल के लिए है, 1500 जो है फॉर मेल एंड 800 फॉर फीमेल के लिए। ये जंप आपसे जो है ये रेस लगवाई जाएगी, दौड़ लगवाई जाएगी। सेकंड है हाई जंप और ब्रॉड जंप, ये दोनों को लगाने पड़ेंगे। आगे है इसमें जो है 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे आपको, मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1500 मीटर रेस ये कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप 1.25 मीटर एंड 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर 3 अटैम्प्ट में आप जो है ये हाई जंप नहीं लगा पाए तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर ब्रॉड जंप के लिए 4 मीटर है, इसमें भी 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। आगे हैं, अब ये तो था हमारा इसका मेल्स के लिए, ठीक है। आगे है फीमेल के लिए, फीमेल को 4 मिनट 15 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है।
और मिनिमम 1 मीटर का जंप लगाना होगा, 3 अटेम्प्ट। और इसमें ब्रोड जंप जो है 3 मीटर का, ये जो है 3 अटेम्प्ट जो है दिए जाएंगे। तो वही है कि 1500 अगर मीटर की दौड़ लगानी है तो लड़कियों को 4 मिनट का टाइम दिया गया है, 4 मिनट 15 सेकंड। मतलब लड़कियों के लिए 800 मीटर है, इसलिए उनको 4 मिनट 15 सेकंड दिए गए हैं, और लड़कों के लिए 1500 मीटर है, इसलिए उनको 4 मिनट 30 सेकंड दिए गए हैं। तो ये काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें जो है उन्होंने लिखा कि अगर कैंडिडेट जो है, अगर आपका फिजिकल टेस्ट जो है क्लियर होता है, उसके बाद आपको जो है एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद उसका आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो है 5 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। और जो ये जो सिलेबस आएगा ये 10+2 स्टैंडर्ड का आएगा, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स जो है 10th लेवल तक, मैथ आपका आएगा 10th लेवल तक, और उसके अलावा जो भी है हिंदी, इंग्लिश, जनरल, साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब कुछ 12th लेवल का आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप बताया गया, अगर आप रिटन टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेते हैं और उसमें जो है 50 मार्क्स लेते हैं इन द रिटन टेस्ट इन केस ऑफ दोज बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, और एंड 40% मार्क्स जो हैं एससी एंड एसटी के लिए चाहिए। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, एंड ओबीसी और एससी एंड एसटी के लिए आपको चाहिए 40% मार्क्स। जनरल और ओबीसी दोनों के लिए ये 50 मार्क्स जो हैं दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है 85 मार्क्स का जो है इसमें पेपर होगा, यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है, 50 मार्क्स ले लिए हैं, तो आपको कोई उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे एलिजिबल फ्रेंड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आप जो हैं, मैं इसकी जो इसकी वेबसाइट्स है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको सॉरी उसका जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उस पे। और इसकी जो है ये लिखा है, इसकी लास्ट डेट जो है ये 20 जनवरी होगी, और 20 दिसंबर से ये फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, 20 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी ये भरे जाएंगे मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे ये फिल करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।